हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल, वी आर बहल ब्रदर्स। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि आज रहने वाला हमारा मजेदार मंडे, मंडे। तो मजेदार मंडे के कौन से एपिसोड पे? हम एट्थ। 8th एपिसोड पे। तो गाइस, 7 एपिसोड बहुत अच्छे गए हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे, आपको नहीं पता है क्या होता है मजेदार मंडे, तो मजेदार मंडे में ये रहता है कि आपके कुछ सवालों के हम देते हैं जवाब आपको जो यहाँ स्पेशल पर। क्वेश्चन होते हैं आपके, हम उनको वो आपको हम जवाब देते सैटरडे या हैं। संडे को डाल देते हैं एक शॉर्ट वीडियोस के ऊपर। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस बताते हो हैशटैग लगाकर, और और उसके हम हम रिप्लाई उसको करते हैं, उसमें से निकाल के उसके आंसर आपको देते रिप्लाई हैं, करते हैं। तो एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा फन और बहुत मज़ेदार रहता है, सच में बहुत और मज़ेदार हमें पता रहता है। लगता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या पूछना सोचते हो, चाहते क्या हो। पूछना चाहते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये है सरगम राणा, हैशटैग मजेदार मंडे। इनके तीन क्वेश्चंस हैं, मैं इकट्ठे पढ़ रहा हूँ, फिर इकट्ठे जवाब देंगे, ठीक है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपकी वीडियो पे डिसलाइक आते हैं तो आपको कैसा लगता है? रील्स बनाते टाइम ज़्यादा मिस्टेक कौन करता है? आप यूट्यूब पर और यूट्यूब पे किसके व्लॉग अच्छे लगते हैं? गॉड ब्लेस यू एंड लव यू बोथ ऑफ यू। लव यू टू। तो पहले उन्होंने क्या पूछा है? कि आपके डिसलाइक आते हो आपको कैसा लगता है? डिसलाइक आते तो कैसा हमें लगता अच्छा लगता है कि कौन हमें हेटर है, हमारे कौन है हमें पता है? लग जाएगा ना। हम तो चलो छोड़ो, नहीं हमें अच्छा गाइज, लगता ऐसा है। है कि डिसलाइक्स आते हैं, इट्स गुड। उनको नहीं अच्छा लगा, उन्होंने डिसलाइक किया। बट वी वॉन्ट, अगर आप में से भी जो देख रहे हैं उनमें से भी 2, 4, 5 जो भी करते हो आप डिसलाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक करो। बट साथ में अपना फीडबैक ज़रूर देके जाओ किस रीज़न से आपने डिसलाइक किया, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और शायद आपका हमें कई लाइक मिल कई ये जाए। जानबूझ के भी करते हैं। हाँ, कई कुछ कुछ लोगों तो मैंने देखा है वीडियो आती बाद में डिसलाइक, पहले 53 सेकेंड में मैंने देखा था उस दिन 4 डिसलाइक। हाँ, और लाइक एक भी नहीं ऐसे लाइक नहीं थे? लाइक कम, मतलब डिसलाइक नहीं, इतने। ऐसा नहीं था। लाइक डिसलाइक 4 थे, लाइक 200 थे 53 सेकंड्स के अंदर हमारे। तो तो ऐसा नहीं है। दूसरा था दूसरा क्वेश्चन रील्स पूछा था बनाते टाइम उन्होंने, रील्स जब बनाते जब टाइम हम अकेले मिस्टेक। अकेले होते हैं तब हमें टाइम लगता है, मिस्टेक होती है। जब इकट्ठे बनाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब फनी वीडियो बनाते हैं तो इजी बन जाती है। वैसे जब फनी वीडियो साउंड इजी की बन जाती है जब हमें सेम स्टेप वाली करनी होती है, तो उसमें हमें टाइम लगता है, थोड़ा बहुत बिकॉज लगता सेम है, स्टेप मगर वो करने में अच्छी थोड़ा सा बन टाइम लग जाती जाता है। है। तो मिस्टेक की बात करें तो दोनों ही करते हैं ऑलमोस्ट। यूट्यूब पे किसके व्लॉग अच्छे लगते हैं? मेरे को तो मेरे, यूट्यूब पे ये एक्चुअली इतना एक्टिव नहीं है, बिकॉज ये मैं यूट्यूब यूट्यूब वगैरह नहीं पे देखता है लोगों नहीं का। देखता, व्लॉग यही देखता है। मैं बहुत लोग का देखता हूँ, मैं सबका नाम नहीं बताऊँगा आपको, बट डैम फैम के मेरे को व्लॉग अच्छे लगते हैं। उनके अलावा और बहुत से चैनल हैं यार, डेली डेली मेरे को 2, 3, 4 बंदे पसंद मैं आने नहीं लग देखता जाते व्लॉग ऐसे, हैं। मैं अपने मोस्टली देखता से हूँ। इनके देखता हूँ मैं, रणवीर अलाहबादिया के देखता हूँ मैं, डैम फैम के देखता हूँ मैं, सबके व्लॉग देखता हूँ। दे डिड ब्रिलियंट कई बार तो जॉब। ऐसा होता है मैं अपने व्लॉग भी नहीं देखता। कई बार नहीं देखता, तो आप समझ रहे हो ना। फिर आप बोलते हो प्रिंस जी एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, चलो सच में नहीं बढ़ते हैं एक्टिव है। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है चेतन मग्गो, हैशटैग मजेदार मंडे। करण भैया, आप अपना हेयर कट कहाँ से करवाते हो? योर हेयर कट इज सो अमेजिंग, आई लव योर हेयर कट। क्या बोला, दोबारा बोलना क्या बोला एक गलत लगता है, मेरा क्वेश्चन गलत बोला इन्होंने। दोबारा बोलना। सो गाइस, हेयर कट मैं करवाता हूँ चल उनसे ऑब्वियसली सैलून से करवाता हूँ। सो गाइस, अगर आप ऐसे हेयर कट जाते हो तो लुधियाना में आके इनसे हाँ मेरे से मिल सकते विजिट हो। करो। और बहुत जल्द होने वाली है मेरे हेयर्स की ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि मैं हेयर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करवाऊँ, उसके लिए मैं पोल डालने वाला हूँ बहुत बहुत जल्द। तो आप मुझे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि मेरे ब्लैक, मतलब जो भी हल्के ब्राउनिश कलर हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं मुझे कोई ऐसे कलर, अच्छे लग रहे हो ना, या मुझे कोई कलर करवाना ये चाहिए। चुड़ैल बन जाता है। आप ज़रूर बताना, आपको अगर चाहिए कि मैं कोई मस्त सा सेक्सी सा कलर चलो करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा कलर। चलो और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले अभी बारी है हमारे अगले सवाल की, जो पूछा है हमसे प्रिया चावला ने। ये पूछ रहे हैं, इन्होंने सब फेवरेट चीज़ों के पूछा है कि आपका फेवरेट क्या क्या है। तो फटाफट बताना, आपको रैपिड फायर की तरह ही है। फेवरेट ब्रांड गुच्ची, गुच्ची, फेवरेट शेक मैं मैंगो शेक नहीं शेक, पीता, मैंगो शेक, फेवरेट फूड पिज्जा, फास्ट फूड, फेवरेट ड्रिंक कोक, माजा, फेवरेट क्लोथ फंकी टाइप पूरे, पूरा फंकी कटफट हाँ ये वो जो अलग से मिल जाए ना मतलब जिसमें मैं अच्छा लगूँ। वो फेवरेट वेजिटेबल, वेजिटेबल आपका हमारा सबका आलू, आलू आलू हाँ आलू, प्याज, पटैटो बोल सकते हो आप, बिकॉज वो सब चीज़ों के साथ खाया जाता है, सब चीज़ों के साथ होता है। ऐसे कोई वेजिटेबल में मत पूछो, मत पूछा करो यार। नेक्स्ट है फेवरेट फ्रूट, फ्रूट के नाम पे ये कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये कोई भी फ्रूट नहीं खाता है, पहले सीरियसली मैं कोई खाता था भी फ्रूट बनाना नहीं खाता खाता था, है, वो भी मैंने छोड़ दिया। सिर्फ ये बनाना खाता था, अब ये वो भी नहीं खाता है। मेरे फेवरेट है मैंगो लीची, सब बस कुछ है, सब कुछ। दो ज़्यादा फेवरेट, बाकी वैसे सब कुछ। फेवरेट सिटी लुधियाना,
तो गाइस फेवरेट सिटी वैसे मेरी लुधियाना ही है अपनी साइड से तो, बट मैंने अभी रिसेंट में व्लॉग्स देखे हैं एक पर्सन के, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ले भी लेता हूँ एक्चुअली में, उनका नाम है सुयश व्लॉग्स, तो वो बनाते हैं व्लॉग्स। उदयपुर सिटी मतलब दिल ऐसे 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 बाहर आ जाएगा तुम्हारा, इतनी सेक्सी जगह है भाई साहब, चले फिर। इतनी सेक्सी जगह। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी बहुत जल्द अपने ट्रैवलिंग वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, अगर आप चाहते हो ट्रैवलिंग वीडियोस भी आएँ तो डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स। और बहुत बहुत कैंट जगह थी, और अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो हमसे पूछा है तरुणा सैनी ने, ये बोल रहे हैं हैशटैग मजेदार मंडे, एक्चुअली आई हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चन, इनके चार क्वेश्चन हैं, मैं फटाफट पूछता हूँ, एक एक करके रिप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 5 दिसंबर। 31 अगस्त, बहुत जल्द बर्थडे आने वाला है मेरा। सेकेंड वन इज, डिड एनी वन रिफ्यूज यू वेन यू आस्क टू स्टार्ट मेकिंग रील्स और यूट्यूब चैनल? किसी ने मना किया था? मना नहीं किया वैसे किसी ने, मगर इनसे पूछ लो पहले, ये बोलते रहे हैं बाहर, सुन रहे होगे आपका आवाज़ कुत्तों की, ये ऐसे भौंकते हैं पूरा दिन। आप मतलब शुरू कीजिए। टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, मगर ऐसे किसी ने मना नहीं किया। हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, हमें किसी की जरूरत नहीं। फैमिली बहुत 110% सपोर्टिव है, जैसे अभी भी हम रील बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो रात को हम तीन अभी तीन चार चार बजे तक हम जागते लाउड हैं। बोल रहे हैं, मम्मा डिस्टर्ब होते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहते। पता है हाँ काम जरूरी कि है। लगे रहो यार, तो किसी ने ऐसे नहीं करा। टांग खींचने वाले बहुत हैं, किससे बहुत हैं, लास्ट टाइम आपको किससे सुनाए थे, दो आपको मजा आया था, एक किस्सों के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अभी हमने अपनी जर्नी की वो भी नहीं आपको बताई, वो भी बनाएंगे वो जल्दी। भी बनाएंगे जल्दी। प्लीज़ टेक आउट आवर 24 आवर्स चैलेंज टू इग्नोरिंग योर ब्रदर फॉर 24 आवर्स, इट मे बी इंटरेस्टिंग। 24 घंटे मुझे इसको इग्नोर करना है ना, आप ही बोल रहे हो, ये तो तो 24 घंटे घर पे होना चाहिए ये पहले करता तो, ही है, ये इग्नोर ही करता 24 घंटे घर पे होना चाहिए जनाब, उठे होने चाहिए पहली बात, है। तू जैसे रोज उठ के बैठा होता है ना, उठना ज़रूरी है, ये सोते ही बहुत हैं। कमबख्त नींद बहुत आती है यार। थप्पड़ बज जाएंगे ना फिर से बस ही। लास्ट पॉइंट, होप यू बोथ आर सेफ इन दिस पैंडमिक टाइम, स्टेबलेस्ट एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच, वी आर टोटली सेफ। हम करते नेक्स्ट हैं। सवाल, तो अगला क्वेश्चन है भारती शर्मा का, हैशटैग मजेदार मंडे, माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू, व्हाट्स द मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव, एंड माय क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज करण डैड, व्हाट्स मेक यू यूनिक, वी लव यू बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। लव यू टू। और पहले आप बोल रहे हैं कि ऐसा टैलेंट, कैसा टैलेंट बोला इन्होंने, यूजलेस यूजलेस, मतलब एक तो टैलेंट ऊपर से यूजलेस है तेरे में, ऐसा कुछ है? क्या लगता है तो बंदा यूजलेस है, टैलेंट भी यूजलेस, कुछ ना कुछ भाई तो होगा तेरा होना टैलेंट। इस वजह से। तो मेरे में तो, ये मेरे को पता क्या याद आ करता गया है जब एक, बाहर जाता है, कहता है हाँ आप करो मिलके भाई हो ना, मतलब तेरे साथ रहूंगा तो ऐसे यूजलेस ही तो हूंगा। गाइस मेरे पास एक टैलेंट है, मुझे एकदम से याद आ गया मेरे पास क्या है, ये यूजलेस नहीं है एक्चुअल में, बट टैलेंट है यूजलेस भी है शायद, आप में बताइए क्या है। पहले तेरी बात, तू बताने लगा ना, बता अब। पहले हाथों को करना है ऐसे, फिर आपको करना है ऐसे, आप भी करो साथ में, फिर आपको करना है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मेरे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दिस इज़ अ यूजलेस टैलेंट आई हैव। पास भी ऐसे दो, पहले हाथ करो ऐसे फिर ऐसे, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे रखना, कर कर तू भी साथ कर, इसको यहाँ पे रखना, अब इसको तेज तेज करियो, इसको उल्टा यूज़लेस। करियो, कर हुआ हुआ हुआ, ये देख उल्टा लो, उल्टा भाई, नीचे हाँ से तो कर, उल्टा ही है और किस, ये कैसा है, ऊपर कर रहा तू, हाँ तो उल्टा है, ये नीचे ले, नीचे ऐसे कर जा। तो एक की बात हुई, दो दो निकाल के बैठ गया है, तो देख रहे हो कितना यूज़लेस बंदा है ये बंदा ही यूज़लेस है, देखो इसके बाद टैलेंट भी यूज़लेस है। चल अपना बता दो यूनिक। टैलेंट अगला भी कुछ क्वेश्चन था या एक ही था नहीं इनका? नहीं तेरा था एक यूनिक। व्हाट मेक्स यू यूनिक? गैस देखिए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, मेरे पास ये है कि मैं बीच बीच में मिमिक्री करने लग जाता हूँ किसी ना किसी की, और आई गेस इट्स अ यूनिक थिंग, मतलब यूनिक नहीं है, कॉमन है, बट अच्छा लगता है मेरे को, कोई भी बैठा है उसकी मिमिक्री कर दो। और तो बस यही है यार, इतना मैं भी यूनिक नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी इंसानों की तरह इंसान हूँ, कुछ यूनिक नहीं है, बट यूनिक मेरे में ये है, कुछ यूनिक नहीं है गाइस। अगला सवाल, अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है हमसे वीरू सैनी ने, हैशटैग मजेदार मंडे, पंजाबी क्वेश्चन है जी, पंजाबी, ठीक है, सुन के जरा, वीरे कल तुम बाथरूम च गए हो? हाँ, ऑलमोस्ट हर कोई बंदा,
ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਯੂ ਬੋਥ ਆਰ ਕਿਊਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੱਸ ਫਿਰ। ਬਸ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਖਤਮ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੀ ਬੀਤੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣਾ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੰਬੈਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੂਮ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਐਸੀ ਬਾਤ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੜਾ ਦੱਸ ਦੋ ਅਰਦਾਸ। फिर कोई अगर जाएगा हाथ धोने या कुछ करने, उसको पानी ना मिला तो वो मोटर चलाएगा, तब तक बैठे रहो ऐसे करके, पसीना आ ही जाएगा गर्मी में। पानी तो आ रहा है जहाँ तो पानी आ रहा है, मतलब धोना का धोना मुश्किल हो जाए। हाँ तुम बताइए, आप कुछ बता रहे ऐसे थे। ऐसे हुआ मेरा ना शूट था, शूट से मेरे को याद आया, इनको बताया नहीं ना अभी हमने, अभी बताएंगे भी नहीं, हाँ बहुत जल्द बताएंगे क्या था। तो वैसे बताता हूँ, मैं कई बार गया था, तो ऐसे ना एक फार्म हाउस था, तो वहाँ पे ना एक मतलब वॉशरूम गए तो पानी आ रहा था, मतलब वो प्रेशर वाला पानी नहीं आ रहा था, वो ख़त्म था, टैंकी में थोड़ा सा पानी पड़ा था। तो एक ना जो हमारे डायरेक्टर साहब थे ना, वो चले गए अंदर, तो पानी ना ख़त्म हो गया, उन्होंने फ़ोन किया कि पानी करो, मतलब 15-20 मिनट लगे, वो जब बाहर आए फिर वो कहते आ गए थे कि अभी जाऊँगा तो पहले चेक करूँगा पानी आ रहा है नहीं आ रहा। तो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एम्बेरेस हो जाता है। आप भी कभी बाहर जाओ तो चेक करना पानी आ रहा है प्रेशर वाला, तो बैठो ना तो मत बैठो, कंट्रोल करो थोड़ा। होता है सबके साथ होता है गाइस, इट्स अ क्लीशे बट होता है जिंदगी में। अगला सवाल आएगा, तो अगला क्वेश्चन है शिवेंद्रा व्यास का, हैशटैग मेरा मंडे, माई प्लीज टेक माई क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन ले लिया आपका भाई, इनके भी 3 क्वेश्चन है, फिर आप 3 पूछते हो। एक क्वेश्चन पूछा करो यार, एक क्वेश्चन पूछा करो यार, सबकी बारी आ रही है। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, पता लग गया मुझे। wow! आपको यूट्यूब पर ब्लॉग वीडियो एक्सेट्रा बनाने का आइडिया कहाँ से आया? यहाँ से दिमाग से आइडिया कि बनाना चाहिए, आप लोग की रिक्वेस्ट थी यार, इसलिए बनाया। हमें हमें डर था कि इंस्टाग्राम बंद हो सकता, मगर यूट्यूब कभी बंद नहीं हो सकता, कि हमारी फैमिली हमारे साथ जुड़ी रहे, हम ये नहीं चाहते कि हमसे अलग हो जाए कोई, बिकॉज हमें आपका साथ चाहिए था। और दूसरी बात, आप सबके रिक्वेस्ट, इसलिए हमने शुरू किया और आइडिया आया था, कोइयों ने हमारी फेक आईडी बनाई हुई थी, इस वजह से हमने ओरिजिनल अपनी आईडी बनाई, ओरिजिनल बना के यहाँ पे दिखा दिया। आप दोनों में सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है स्कूल लाइफ में? नहीं डांट वांट तो नहीं मैंने खाई, इंटेलिजेंट है हमको, सबको पता है, उनको तो पता ही नहीं, आगे सबको पता है। आप लोगों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कभी मार पड़ी है? मम्मा पता क्या कहते थे, टीचर ने हमारी शिकायत लगानी कभी अगर मार्क्स कम आए तो, ऐसे उन्होंने मिलना सीखा, ऐसे करके सामने स्कूल कहने के स्कूल भेजा करो, ऐसे उन्होंने भेजा ही तुम जितने जानते हो उसे बेइज्जती कराते हो। मोस्टली हम ना मम्मा को लेके जाते, पापा को लेके जाते हैं, नहीं एक्चुअली में उनकी साइड से मारनी पड़ती थी, बट हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ होता था कि यार इतने नंबर आ सकते थे, जब घर वाले भी थोड़ा कह रहे थे कि टीचर के सामने कुछ करेंगे तो थोड़ा बच्चों को भी होगा, kind of that. तो last में उन्होंने लिखा है, I have one request for करण भैया, please आप आपकी live video में मुझे add कर दीजिए, love you and God bless you. तो guys मैंने आपको 1000 बार बोला होगा ये चीज, पर आपको नहीं समझ आएगी एक बार में, कि आप यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी भी मेंशन करा करें ताकि मैं आपको shoutouts भी दे सकूँ और आपको तभी मैं लाइव में भी ले पाऊंगा। लाइव में वैसे आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं मेक श्योर आप ट्राई करता हूँ सबको लाइव ले पाऊँ। बहुत ज़्यादा बंदे भेजते हैं तो पता नहीं चलता, इस वजह से नहीं हो पाता, जो आता है ऊपर उसको ऐड कर लेते हैं, हाँ उसको ऐड कर लेते हैं, ये मुझे बोलना चाहिए था वैसे, ये तो लाइव आते हैं इनको क्या पता, इनको क्या पता है लाइव आते हैं, जब लाइव होता है मैं सबको ऐड करता हूँ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन वी गॉट फ्रॉम राधिका गुप्ता, हैशटैग मजेदार मंडे, डिस्क्राइब ईच अदर इन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड में मेरे को बता दो मैं कौन हूँ। ये गुस्से वाला, ये बहुत मतलब खाने पीने का शौकीन है फास्ट फूड, और इसको वीडियोस वीडियो फीड फोटोज का बहुत मतलब लगा ही रहता है उसमें ही, सारा दिन फोन में लगा रहता है। अच्छा डिस्क्राइब नहीं किया वैसे आपने, ठीक है, इतने अच्छे-अच्छे वर्ड बनते थे, वर्ड बनते थे, फोटोजेनिक, फूडी, ये करने वाला, वो करने वाला, अच्छे-अच्छे वर्ड बन रहे थे, तो मैं इसको अच्छे वर्ड्स देता हूं, रुक जाओ देखना ये कैसे अच्छे वर्ड।
आलसी। वाओ इतना टाइम नहीं लगाना। मूडी, अपने मूड से काम करता है, मूड है करेगा, मूड नहीं है तो नहीं करेगा। बेवड़ा, बेवड़ा समझ गया। बेवड़ा इट्स नॉट अ पीने वाला बेवड़ा, बेवड़ा इन द सेंस कि मैंने बोला कि ऐसे करना वैसे करना, क्यों मैं ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी, मैं तू तो भी ऐसे ऐसे ही करता करूंगा, भाई। तो तुमने एक्सप्लेन करना था, कर दिया ना, मेरी बारी थी, मेरे को भाई करने तेरा दो। होना इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 वर्ड, आगे भी इनके 4 क्वेश्चन टोटल पूछे इन्होंने, 3 हो रहे हैं। व्हाट इज द फेमस, ओ सॉरी, व्हाट इज द फेवरेट समर एक्टिविटी? पहले यार था, मैं पहले क्रिकेट खेलने जाता था, फिर जब यहाँ पे आए शिफ्ट किया होमो, तो यहाँ पे कोई फैंस नहीं है, तो वीडियो वीडियो सिर्फ वीडियो वीडियोस ही बनती है, समर एक्टिविटी हो, विंटर एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, हमारी सिर्फ वीडियो, यूट्यूब अभी हो चुका है, वीडियो अदरवाइज कुछ वीडियो नहीं है, वीडियो सिर्फ वीडियोस ही हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हम अभी, हम इसी से खुश करनी हैं। चाहिए बट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इफ यू कुड बी एन एनिमल व्हाट वुड बी एंड व्हाई? जो तुम्हें कोई जानवर बनने का मौका मिले तो की बनना चाहोगे, तो क्यों रैबिट क्यों? यार वो कितना क्यूट होता है ना, कि ऐसे प्यार प्यार से लगते हैं आह उसको, मतलब जैसे कुत्ते भी तो लात मार के जल साइड होए जब कोई गलती करता है तो उसको नहीं, उसको मैं बनना क्यूट क्यूट से, जैसे चाहूँगा, पप्पी हो गया कुछ ऐसा। मैं बनना चाहूँगा आई गेस पीकॉक, और उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, बट अभी सावन चल रहा है, तो नाचने में बहुत मज़ा आता होगा उनको, और वो लगता भी बहुत कैंट है, क्यूट। क्यूट मत, कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं है। इफ़ यू, अच्छा ये हो चुका है, व्हाट इज़ वन ऑफ थिंग यू वुड पुट ऑन योर बकेट लिस्ट? सब तो पहला, जब आप कहते जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो आपका की प्रायोरिटीज तो रखते हैं चीज़। अगर मैं किधर जाना, मैं सब तो पहले अपने कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा, एक्स्ट्रा कभी भी गाइस, लगा सब चीज़ें छोड़ के सबसे पहले मैं अपनी प्रायोरिटी में रखता हूँ पावर बैंक, क्योंकि फ़ोन के साथ पावर बैंक तो पावर, अभी हाँ लिया तूने थोड़ी देर पहले। तो फ़ोन के साथ पावर बैंक ज़रूरी, मैं अभी का अपना बताऊँगा ना, उन्होंने बकेट लिस्ट पूछी, सबसे पहले आप क्या सोचते हो? सो पावर बैंक, उसके बाद है प्लीज टेक मे क्वेश्चन, लव यू बहुत, लव यू टू, 100 क्वेश्चन ले लिया आपके, अभी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन ये है, लवण्या लवण्या मतलब दो बहनें इकट्ठी होंगी मेरे, ऐसा मतलब है। जी तो हैस्टा मजदा मंडे, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, आप दोनों में से घर में ज़्यादा बोलता कौन है, ज़्यादा काम कौन करता है, आप दोनों में से कंजूस कौन है। लव यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू सो आपको भी मच। खुश रखे। और बोलता कौन है तो ऑब्वियसली बादाम खाता हूँ सुबह उठ के, कहाँ मैं बोलता हूँ दादा, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत खाता पसंद है, कहाँ। बातें करना मुझे बहुत 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 हाँ मगर पसंद है। किसी और के साथ फोन पे, इनको वैसे बोलो, बोलना अगर है मेरे घर आपको, पे फ्रेंड्स भी आए या रिलेटिव भी, उन्होंने यही कहना यार ये सारा दिन इसने ना ऐसे घूम ही जाना है फोन पे लग के, कभी इधर कभी उधर, इसकी सेहत ही देखो, देखो इसके दौरे देखो, इस वजह से ही है, तुरते ही रहता है, चलता रहता है सारा दिन, मैं बस बोलूं बोल बोल। कहीं तो आपको भी पता है, रात को 4-4 बजे तक कौन लगा रहता है फोन पे, जब मैं ब्लॉक कर रहा होता फोन पे कौन लगा रहता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये अगर आपने बताने की ब्लॉग आपको जहाँ बिल्कुल से देखे जरूरत होंगे नहीं तो ये है, भी बात करता होता रात को। कहाँ से देखे होंगे ब्लॉग, लॉगिंग कर रहा होता हूँ मैं तो। जब इग्नोर चल इग्नोर छोड़, इग्नोर, अगला हाँ क्वेश्चन भी था आगे ना मतलब उनका कुछ, आप दोनों में से काम कौन करता ज़्यादा, ऑब्वियसली मैं, काम भी मैं करता हूँ और दूसरा कंजूस भी तू करता ही हूँ, है, कह दे अब कंजूस भी तू ही है, नहीं कंजूस तो कोई नहीं, नहीं अभी एग्री कर लेना, खुले दिल वाला, बड़े दिल वाला मेरी मर्जी, हो रही बोल, मतलब मम्मा हद हो वाला। गया, हद हो गया ये तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो गाइस गाइस गाइस, कायदे से देखा जाए तो हमने 10 क्वेश्चंस लेने थे, जो मैंने आपको हर बार हम बोलते हैं हम 10 क्वेश्चंस लेंगे, तो बट अब हमने लास्ट टाइम से 10 नहीं, थोड़े ज़्यादा लेने शुरू कर दिए हैं, 12-13 क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़े इतने खुशी ते हम थोड़े इतने खुशी ते हम थोड़े इतने खुशी, 12-13 क्वेश्चन लेते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपने कहा था आप क्वेश्चन थोड़े कम लेते हो, हमारे क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, तो वैसे हमने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, आपको भी अपना प्यार और एक्सटेंड करना है, और मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये 2 क्वेश्चन इकट्ठे ले रहा हूँ, ये दोनों एम्बेरस वाले हैं हमारे लिए, नहीं जिन्होंने पूछे उनके लिए। तो मैं पूछता हूँ, सच बताना अब तक वर्जन हो क्या? अब आपका आंसर होगा यस, बट हमें सब पता है, क्योंकि ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, ऐसा पब्लिक लिखा है। बहुत शाणे लोग ना तुम, मतलब हम जो मर्जी बोले, है अजी अंदर है क्या अब है तो तुमने बोल दिया छुपा। है ना, तुम्हें जो लगता है लगता रहे, छोड़ो यार। अगला भी, अगला भी, मैं जानने अगला दिया भी, हाँ
योर फेवरेट सेक्स पोजिशन? दिस इज फॉर बोथ. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना. इग्नोर ये दो क्वेश्चन वालों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ नाम भाई नहीं ले रहे साहब. हैं. ये बंदे आते कहाँ से, एम्बेरस कहीं के. अगला सवाल. तो अगला ये है अनीता गर्ग, हैशटैग मजेदार मंडे, आप दोनों फैन से कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत प्यार करते हैं हम आपसे. अनलिमिटेड. बहुत इनके भी पांच क्वेश्चन हुए तो पार्ट सर. आपका फेवरेट प्लेस टू विजिट इन हॉलीडे? गाइस फेवरेट प्लेस थी. तुमने फिर बात करके ना मेरे दिल के वो तारे छेड़ दिए, पता तुम्हें. क्या था वो? श्रीनगर. श्रीनगर? क्या श्रीनगर? श्रीनगर नहीं, श्रीनगर नहीं कौन सा गाइस, था? श्रीनगर भी था मैंने क्योंकि देखा था. श्रीनगर की एक प्लेस है, उसका मेरे को नाम नहीं पता. मेरी साइड से है ओली, जिब, ऋषिकेश, श्रीनगर और भी हैं थोड़े से, पर क्या फायदा बताने का. जा रहा हूँ मैं कहीं पे, जाएंगे घर पे अपन भी बैठा हूँ. जाएंगे. आपको वीडियोस तूने तो का बताया नहीं. अच्छा मैंने भी बताना. मेरे को जा भी ले जाऊंगी, चल पड़ता हूँ. संगता माता दिलावर. अगला, आपको वीडियोस का शौक कब से हुआ और क्यों? मुझे हुआ था 2017, 18. पता नहीं मुझे. एक्चुअली मुझे हुआ था जब मैं प्लस टू में था. मेरे को इसको देख के हुआ था. प्लस टू में लोहड़ी पे मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी. मेरे को इसको देख के हुआ था. मैं अपनी वीडियो देखता हूँ तो नेक्स्ट 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 बात कर रहा हूँ ना. मैं नेक्स्ट मतलब इतनी हंसी आती है ना, छोड़ो. और लास्ट, आपके 500K सब्सक्राइब हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? कैसे 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 कहते अगर आपके 500 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो क्या फाइव हंड्रेड करोगे? फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो सुन लिया, फिर बार बार क्यों सुनता है? नहीं मेरे को कुछ फाइव कुछ हंड्रेड के 5 लाख. 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो पहले तो हम पार्टी करेंगे. हम तो 1 लाख के भी करेंगे. ऑब्वियस 1 लाख पे भी करेंगे, पर आप करोगे तब ना. 1 लाख पहले कर दो फिर पार्टी भी करेंगे. 5 लाख पे गए मैं बहुत खुश होऊंगा खुश और तो हम वैसे आज भी हैं, मगर वो खुशी हम बयान नहीं कर पाएंगे. बयान नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब एक्सपीरियंस नहीं करा ना. आप करवा दो एक्सपीरियंस, फिर बताएंगे आपको क्या करेंगे. सीधा ब्लॉग बनाएंगे. अच्छा था. और लास्ट, आपकी फैमिली में कौन कौन है? दो यहाँ पे हैं, दो सो रहे हैं. 4 जन हैं, छोटा परिवार. सुखी परिवार. समझ गए ना, तो तो खत्म. नेक्स्ट. तो अब यह हमारा अगला सवाल, आज का पहला रैपिड फायर, क्योंकि पिछली बार आपके 5 रैपिड फायर थे मुझे अब तक याद है. आज का रैपिड फायर पूछा है जी हरलीन झाली ने. झाली आई गेस, जी JHALLY, जो भी है आपका झल्ली नाम. झाली झल्ली पिज्जा. झाली. हैशटैग मदर मंडे. 10 हैं, फटाफट बोलना आपके. पिज्जा बर्गर, पिज्जा. ब्रांडेड शूज, स्लीपर्स. ब्रांडेड ब्रांडेड शूज, शूज. वैसे मेरे को कोई ब्रांड पसंद नहीं है शूज का. इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी. पंजाबी. रेस्टोरेंट, टाबा. टाबा टाबा. फटाफट बोलना है, सुन के तो बोलते हो तू तू तुम. तो पढ़ा रहा है. फैमिली रुपीज, फैमिली. ऑब्वियस है. BMW, बाइक. बाइक. बाइक मेरे को आती तो है नहीं चलानी. तो गाड़ी भी नहीं आती. BMW ड्राइवर रख लेंगे. हाँ. हेल्दी फूड, फास्ट फूड. फास्ट फूड. जो मिल जाए खाने को खा लेते हैं हम तो. स्लीप, वर्क. वर्क चुप करके स्लीप बोल. वो सुंदर है ना, वो तो वर्क. अब कोई काम नहीं इस वजह से. वैसे तो काम करता था ना पहले. वर्क नहीं, उन्होंने बोला अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास दोनों में से एक करने का तो नहीं क्या मैं वर्क करोगे. करूंगा. अगर मतलब मैं काम ही नहीं झूठ है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे झाड़ू मारने लग जाऊं गली में. अभी बोला वर्क करूंगा. मतलब गली में झाड़ू मारने लग जाऊं. तुमने बोला अभी वर्क करूंगा, बोला कोई स्लीप काम करूंगा, होगा, बोलना स्लीप करूंगा. कोई काम होगा फिर थोड़ा सोऊंगा, फिर तो काम करूंगा ना. नेक्स्ट. मतलब दो पढ़े अभी. इंस्टा, व्हाट्सअप. इंस्टा. स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड. सभी कोई भी नहीं स्कूल भी एक्चुअली. लव यू बोथ, गॉड ब्लेस यू. लव यू टू. तो अगला, इनका नाम है मीरा गाठिया. हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोथ ऑफ यू. यू टू. माय क्वेश्चन इज दैट हाउ यू हैव स्टार्ट योर जर्नी टू रीच अप टू हियर एंड नाउ व्हाट इज योर फाइनल एम? हमने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी फोन पकड़ के, हाथ में वीडियो बनाते हुए. हमने ऐप से स्टार्ट किया था. कौन से ऐप से? लाइक लाइक म्यूजिकली शायद. लाइक इन नहीं, दोनों में से. लाइक ऐप का नाम था पहले, अभी वो लाइक ही बन चुका है. बट आई थिंक अभी वो एक्टिव नहीं है या फिर बंद हो चुका है. वो भी चाइना का था आई गेस. उसके बाद म्यूजिकली, उसके बाद टिकटॉक. ये वीडियो से स्टार्ट किया था हमने. उसके बाद हम हाँ ब्लॉग पहले में. ये, उसके बाद लाइक ही.
हाँ मतलब जो भी था ऐसे था, हमने स्टार्ट कैसे करा था उसके लिए प्रॉपर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, बट आपका सजेशन लेना अपनी बहुत जर्नी पे ज़रूरी हम था, बनाएंगे वीडियो, आपका सजेशन लेना चाहते हैं कि आप वो अभी देखना चाहते हो हम आपके लिए क्या बनाएं, पता जब 1 लाख होगा तब वो वीडियो आए आपके आगे। बट अगर आप चाहते हो हम बनाएं तभी हम बनाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना उसके बारे में। अगला सवाल तो ये रहने वाला है, पहले तो आज का आखिरी सवाल जो पूछा गया है हमसे प्रांजल जी की तरफ से, हैशटैग मजेदार मंडे, लकली आई हैव बर्थडे दिस मंडे, ओ हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। इतना गंदा कौन बोलता है यार, नहीं वो हैप्पी ऐसा बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे जोर हैप्पी, से स्टे बोलो हेल्दी। हैप्पी बर्थडे। सो आई रियली प्रे टू गॉड यू विल टेक माई क्वेश्चन, हमने आपका क्वेश्चन ले लिया फाइनली। सो द क्वेश्चन इज, करण टेल मी एनी डार्क सीक्रेट ऑफ प्रिंस एंड प्रिंस टेल मी डार्क सीक्रेट। हम तू मेरा डार्क सीक्रेट, मैं तेरा डार्क सीक्रेट, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ से डार्क हम सीक्रेट, जो हम करते हैं एक दूसरे खुलेआम से करते हैं, छाती पे मार, उतरी मार के लग गई है। अरे छाती फाड़ के छाती पे मार के करते हैं। तो गाइस डार्केस्ट सीक्रेट तो मेरा कुछ भी नहीं है, सही बताऊं तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज एंड ऑफ अ वीडियो, होप यू गाइस लव इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो 10,000 क्वेश्चन कमेंट वाला वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो। सेइंग यस वाला 10,000 और कमेंट्स मैं भी आपको चाहता हूँ कि फटाफट मेरे पे कंप्लीट कुछ करने हैं। आए, मजा हाँ आए ये मेरे को, चाहते हैं अभी आए, फाइनली ये चाहते हैं अभी आए। तो गाइज इसलिए मेरे कमेंट को बॉक्स के मारा था, अंदर मार मार के बुलवाया मेरे से। डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइज हमने वो दे दी लिंक है वीडियो, लिंक दे दिया है वीडियो का, अगर वीडियो का लिंक वहाँ पे आपको नहीं मिलता, कुछ लोग को नहीं मिल पाता, तो आप सीधा लिखो सेइंग यस बहल ब्रदर, सेइंग यस बहन लिखोगे ब्रदर्स, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे वीडियो बहन खुल खोलोगे जाएगी, आपको शोर जाएगा वहां ठीक पे। है। तो वहां पे जाके आपको कमेंट्स करने हैं, 10,000 हमारे कंप्लीट, साथ ही इन पे आने वाला भी सेइंग यस, सेइंग मेरे को पता है यस, तू बदला लेगा। ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।